विधायकों को प्रलोभन देकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने का एक बड़ा मामला सामने आया और इस मामले का खुलासा किया है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG, राजस्थान की सबसे बड़ी ये जांच एजेंसी है। और इस SOG ने 2 फोन के सर्वेलेंस किया था, उसे टेप किया था। उसके बाद उदयपुर से एक शख्स और ब्यावर अजमेर जिले में ब्यावर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन दोनों का संबंध BJP से है, BJP के कई बड़े नेताओं से है, BJP के पदाधिकारी भी ये लोग रह चुके हैं और इन्होंने राजस्थान में जून महीने में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कुछ विधायकों से बातचीत की थी, उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की थी। 25 से 30 करोड़ रुपये तक के प्रलोभन की बात इनके फ़ोन टैपिंग के दौरान सामने आई है SOG के अनुसार, और इसे लेकर SOG ने अपनी ओर से एक अलग FIR दायर किया। सबसे बड़ा इस पूरे मामले में यही एक रोचक पहलू है कि राजस्थान सरकार की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एक परिवाद दिया था SOG में, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है, विधायकों की खरीद फरोख का पूरा एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उस परिवाद पर आधार बनाकर SOG ने अपनी जांच शुरू की। हालांकि वो परिवाद अपनी जगह है, SOG अभी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन SOG की अपनी जांच भी इस दिशा में आगे बढ़ती रही और SOG ने जो फ़ोन सर्वेलेंस किया था, टेपिंग की शुरू की थी, उसके आधार पर इन लोगों की गिरफ्तार हुई है। ऐसा कह रहे हैं कि 3 चरणों में इन पूरी फ़ोन टेपिंग की बात सामने आई है कि किस तरह विधायकों की खरीद की जाए, कितने करोड़ रुपये में खरीद की जाए। यदि विधायक उनके साथ आ जाते हैं, कांग्रेस के और निर्दलीय विधायक इन लोगों के संपर्क में आकर इनके झांसे में आ जाते हैं, तो किस तरह से राजस्थान में तख्ता पलटा जाए, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको क्या पद केंद्र में मिलेगा। तीसरा पहलू सबसे बड़ा यही था कि जब इनकी पूरी योजना विफल हो गई, क्योंकि अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी कर दी थी अपने सभी विधायकों की और उसके बाद अपने समर्थक विधायकों के साथ ही अशोक गहलोत होटल में भी रुके थे, इस तरह से उन्होंने निगरानी शुरू की, तो ऐसे में इनकी योजना विफल हुई। SOG की बात यदि पर विश्वास करें, FIR पर आधार माने, तो उसमें साफ लिखा हुआ कि उसके बाद इन लोगों का यह कहना था कि 1000 से 2000 रुपये की कमाई अकेले ये लोग ही कर रहे थे इस तरह की पूरी घटना को अंजाम देकर, यानी 1000 से 2000 करोड़ रुपए ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त यानी विधायकों को देने और लेने के बाद इतनी कमाई इन लोगों के पास बचती, काफ़ी बड़ा आरोप है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस पर एक बार आरोप लगा चुके हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों इस मामले से जुड़े आरोपी अब SOG की गिरफ्त में है और SOG आगे के मामले की पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है। BJP का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी लड़ाई को छुपाने के लिए, अपने 1.5 साल की जो सरकार की नाकामियां उसे छुपाने के लिए इस मामले को उठा रही है। वह चाहती है कि CBI से जांच हो जाए, जबकि राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक का कहना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसका दायरा भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन सब अब आके देखना यही होगा कि SOG जिस तरह से इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या दूसरे राज्यों तक भी इसके तार जुड़े मिलेंगे और क्या अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट को भी, क्योंकि उनका भी नाम FIR में है, SOG की पूरी जांच रिपोर्ट में आई है, FIR जो दर्ज किया गया, तो क्या उन्हें भी जांच के लिए बुलाती है। इस तरह के तमाम सवाल अभी भी बरकरार हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।